रामपुर में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची सांसद मेनका गांधी। सांसद मेनका गांधी ने दूसरे दिन दिया बड़ा बयान, देश की एकता के लिए राम मंदिर बहुत जरूरी। अयोध्या के साथ साथ सुल्तानपुर का भी होगा विकास। सांसद मेनका गांधी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। दरअसल सुल्तानपुर में अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची सांसद मेनका गांधी ने दूसरे दिन मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, इस देश की एकता के लिए ये राम मंदिर बहुत जरूरी है। इस देश की एकता के लिए ये मंदिर भी बहुत जरूरी है, एक नवीनता लाता और एक धर्म को हमारा बढ़ा देता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मंदिर भी बना है और प्रधानमंत्री जी ने खुद हर महीनता से हर चीज़ को देखा। उन्होंने अपने जो पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी थे नृपेंद्र मिश्रा, उनको लगाया उसको दिखवाने के लिए, और अब सब कुछ तैयार होगा और पूरे देश में एक क्या बोलते हैं जय जयकार हो रहा है इस चीज़ के लिए। सांसद मेनका गांधी ने जोर देते हुए कहा कि राम मंदिर न केवल एक नवीनता लाता है बल्कि यह हमारे धर्म को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने आगे बताया, मैं बहुत खुश हूँ कि मंदिर बना है और प्रधानमंत्री ने हर चीज को देखा और अब पूरे देश में इस चीज के लिए जय जयकार हो रही है। अब हम तो इस उम्मीद में हैं कि अयोध्या के साथ सुल्तानपुर में भी इसका विकास हो, क्योंकि हमारे पास भी 2-3 जगह हैं जहाँ राम और सीता प्रवेश करे थे। एक है सीता कुंड, एक है धोपाप, और वो दोनों जगहों में हम चाहते हैं कि वो भी एक ऐसी जगह बन जाए जहां लोग वो राम सर्किट में आकर के देखें, के लिए सबके लिए भी। शायद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आवास दिलवाए हैं, 1,30,000 से ज़्यादा, जिसमें से 15,000 तो हमने विकलांगों को ही दिया, और उसके साथ जो अन्य उनको सुविधाएं मिली हैं, आयुष्मान कार्ड, शौचालय, गैस, इससे पूरा घर सज जाता है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनको पता चलेगा कि घर होता क्या है, एक पक्का घर भी, लेकिन घर के अंदर जो रहने वाले उनके सारे से सुविधा जो मिले हैं, वो मैं बहुत खुश हूँ कि हर औरत को एक ताकत मिली है। ये घर घर ही नहीं है, एक ताकत है जी, जो भी सोचा अच्छा ही किया होगा। सांसद ने यह भी जताया कि उनकी आशा है कि अयोध्या के साथ साथ सुल्तानपुर का भी विकास होगा। उन्होंने कहा, हमारे पास भी 2-3 चीजें हैं जहां राम और सीता प्रवेश किए थे, एक है सीता कुंड, एक धोपाप। लेकिन सांसद मेनका गांधी ने यह नहीं बताया कि 10 सालों में देश में कितनी महंगाई बढ़ी, कितने रोजगारों को रोजगार मिला और देश पर 10 सालों में कितना कर्ज बढ़ा। इन सब मुद्दों पर भी बातें होनी चाहिए और खुले मंच से इनकी चर्चा होनी चाहिए। ये खबर सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता एडवोकेट अफजल खान ने कवर की है। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।